तो सभी भाइयों को राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने चैनल में एक बार फिर से, आकाश शर्मा रिसर्च जीवन में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमित शर्मा, आकाश शर्मा सॉरी। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में अपने नए दोस्तों के साथ में, ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर कुछ स्पेशल क्या है, आपको पता ही है, जैसे कि मौसम चेंज हो गया है, मौसम चेंज होने की वजह से कबूतरों में बीमारियां भी आ रही हैं, ठीक है। उनके पेट के अंदर कीड़े आना शुरू हो गए हैं, पेट में कीड़े आते हैं तो क्या होता है, ये सुस्त हो जाते हैं, सुस्त होने की वजह से वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, बीमार होकर के आपको ठीक से दवाइयाँ नहीं पता होती, उस वजह से कबूतर आपका मर जाता है। तो हम इस वीडियो में कबूतरों की डीवॉर्मिंग के बारे में पता करेंगे, मतलब कैसे आप उनके पेट के कीड़े जल्द से जल्द निकाल सकते हैं और कबूतर को ठीक कर सकते हैं, मरने से बचा सकते हैं। अच्छा, आपने करना क्या है, देखिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं, बहुत से लोग होते हैं बहुत लंबी वीडियो करते हैं। मैं छोटी सी एक गोली आती है, ठीक है, उसका नाम बता देता हूँ फटाफट से आपको, आप लिख लेना, आप पेन और पेपर रेडी रखिएगा। अगर नहीं भी है आपके पास में तो मैं पीछे फ़ोटो शो कर दूंगा, उसकी आपको फ़ोटो भी मिल जाएगी और नाम भी मैंशन कर दूंगा। इसी पेट के नाम से आती है, दवाइयाँ तो बहुत सारी है लेकिन ज़्यादातर इससे महंगी है, सेम असर करेगी ये, ठीक है। आपने देनी कैसे है, सॉरी देनी कैसे है थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा। आपने 70 से 75 कबूतरों के लिए दवाई है, अगर आपके पास 70 से 75 कबूतर नहीं है, 30-40 कबूतर हैं तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें, जैसे 35 कबूतर है आपके पास तो 35-35 70 हो जाएंगे। आपने गोली लेनी है, गोली लेके आने इजी पेट के नाम से आपको किसी भी केमिस्ट की शॉप पर मिल जाएगी, एक गोली आएगी पूरी कैप्सूल के बराबर की, उसको पीस लेना है, पीस करके आपने इसको पानी में मिला लेना है, 700 ml पानी के अंदर, मतलब 1 लीटर पानी से कम में, 700 ml पानी में आपने मिला लेना है। और इसके साथ में आपने करना क्या है, इसके साथ में 1 चम्मच चीनी ज़रूर डालनी है पानी, उस पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी डालनी है, 700 ml पानी हो गया प्लस चीनी हो गई। अच्छा, देना कैसे है आपने, ये सबसे मेन चीज़ है, कबूतर को आपने पिलानी कैसे है ये दवाई, ताकि उसके पेट के कीड़े जल्द से जल्द निकल जाए, ठीक है, जल्द से जल्द आपका कबूतर ठीक हो जाए, वो ज़ाहिर होने से बच जाए, मरने से बच जाए, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने रात को जब उनको दाना खिलाते हैं तो दाना बहुत कम देना है, मतलब आप एक कबूतर को जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं 20 ग्राम दाना देते हैं तो उससे 10 से 15 ग्राम दाना देना है। जो कबूतर नहीं खा रहा तो देखिए उसमें कुछ कर नहीं सकते, आप उसको चने वगैरह खिला सकते हैं डेली, ठीक है, तो उसके शरीर में जान पड़ी रहेगी, 10 से 12 चने। अगले दिन सवेरे खाली पेट, ये ध्यान रखिएगा, खाली पेट आपने इसको देना है 10 ml, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 ml, सिरिंज आती है आप केमिस्ट की शॉप से ले लीजिएगा, 10 या 20 रुपये की एक सिरिंज आती है, तो 10 से 12 ml आपने उसके उतार देना है ये पानी, ठीक है, एक कबूतर के 10 से 12 ml ही देना है। उसके बाद में अब दाना कब देना है, कम से कम 2 से 2.5 घंटे बाद में, क्योंकि उसके अंदर जो मीठा मिलाया है ना अपने पानी के अंदर और वो दवाई मिलाई है, वो कीड़े जितने भी पेट के अंदर होंगे जब वो पॉटी करेगा तो उसमें सारे के सारे उसके मैक्सिमम कीड़े निकल जाएंगे। और ये आपने 2 से 3 दिन करना है कंटिन्यू, जैसे आज सुबह कर दिया, फिर कल सुबह कराया, फिर उसके अगले दिन सुबह, ठीक है, 3 दिन आपने लगातार करना है, आप देखेंगे आपके पेट कबूतर के पेट के कीड़े साफ़ हो गए हैं, वो दाना पानी खाना शुरू कर दिया है उसने और आपका कबूतर धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। और मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा, जिसके कबूतर बीमार है वो दाना पानी नहीं खा रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने करना क्या है, उसमें आपने करना है उसको बासी रोटी खिलानी है। देखिए चने तो अगर वो खाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं खा पाता तो उसमें सबसे मेन क्या होता है, आप उसको सॉरी बूंदी का लड्डू खिला सकते हैं, जो कबूतर बहुत खुश होकर ही खाता है। और बासी रोटी, जैसे रात की रोटी आपकी बची हुई है, 1-2 एक्स्ट्रा बनवा ली आपने, तो आपने वो रोटी बनवाने के बाद में सुबह उसको डाल देना है, 1-2 रोटी एक्स्ट्रा बनवा लेनी है जो भी आपके कबूतर बीमार है। और कोशिश कीजिएगा अगर रात की सब्जी बची हुई है मसाले वाली तो उसमें मिला करके मिक्स करके आपने वो डाल देनी है, तो कबूतर खुश होकर के थोड़ा सा खा लेता है, तो आपका कबूतर बीमार होने से भी बचेगा। इससे आप ये सबको खिला सकते हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार आप इनको देंगे अपने कबूतर को, तो थोड़े से चटपटे रहेंगे तो आपके कबूतर जल्दी से बीमार नहीं होंगे। थोड़ा सा गुनगुना पानी दीजिए, उसमें थोड़ा सी लौंग डालना शुरू कर दीजिए, 1 से 2 लौंग, ज़्यादा नहीं, तो आपके कबूतर बीमार कम होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।